नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ की अतोलिया थाना क्षेत्र के अतरौलिया बाजार में गुरुवार की शाम को 22 वर्षीय ट्विंकल जायसवाल की फांसी पर लटकी लाश मिलने से मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय ले आया गया। शुक्रवार को दिन में पोस्टमार्टम हाउस पर जमकर हंगामा हुआ। ट्विंकल के मायके कोपागंज बाजार मऊ जिला से आए परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। इस दौरान ससुराल पक्ष से आए विवाहिता के अकेले ससुर को भी दौड़ा लिया। वही लाश को पोस्टमार्टम हाउस से पोस्टमार्टम होने से पहले कब्जे में लेकर स्टेशन पर रखकर मंडली जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर आ गए। शव के साथ परिजनों ने चक्का जाम कर दिया, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। करीब आधा घंटा के बाद शहर कोतवाली शशिमौली पांडे ने स्थिति को काबू में किया और शव समेत स्ट्रेचर को लेकर फिर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। ट्विंकल के भाई विक्रांत जायसवाल ने बताया कि इसी वर्ष 24 जनवरी को ही ट्विंकल की शादी हुई थी। 4 मई को मायके में बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर समाप्त हुआ था। 5 मई को उसका पति आकाश जायसवाल अपने 4 दोस्तों संग विदाई कराने आया था और शराब के नशे में धुत था। इस दौरान उसने दहेज को लेकर कोपागंज में अपने ससुराल में जमकर हंगामा भी किया था और गाली गलौज भी किया था। विक्रांत ने बताया कि जहां पर फांसी लगाने की बात की जा रही है वहां पर छत 8 फीट का है जिसमें 1 फीट का पंखा है, नीचे बेड से 2 फीट का है। खुद ट्विंकल 5 फीट की थी तब पंखे पर उसे लटकने की बात कही जा रही है, वह गलत है। हत्या कर उसको लटकाया गया है। कमरे में सारा सामान बिखरा था। इसके अलावा उसके मुंह में, सिर में, गले में कई जगह ब्लड निकल रहा है जबकि फांसी से शरीर में जगह जगह ब्लड नहीं निकलता है। इसे साफ है कि उसकी हत्या की गई है। वहीं को अतरौलिया थाना पुलिस ससुराल का ही पक्ष ले रही है, मायके पक्ष से तहरीर भी नहीं ली जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले अंतिम संस्कार हो जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तब तहरीर देना। आपका नाम फिर से बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम विक्रांत जायसवाल है, कोपागंज मऊ जिले का मैं रहने वाला हूँ। और आपकी बहन ट्विंकल जायसवाल की शादी अतरौलिया में हुई है। और क्या हुआ उसके साथ घटना? उसके साथ घटना ये हुआ है कि मुझे शाम को 5 बजे फोन आया कि आपकी बहन ने फांसी लगाया। फिर मैं आनंद फानंद तुरंत वहाँ पे घर पे पहुँचा तो एसओ साहब से मेरी बात हुई। एसओ साहब ने हमें फोन किया कि आपकी बहन का मृत्यु हो गया है फांसी लगाकर। एसओ साहब ने हमें बताया तो हम लोग तुरंत वहाँ पे पहुंचे तो एसओ साहब के माध्यम से दरोगा जी भेजे थे तो उनके साथ हम घर पे गए थे। घर पे पूरा घर पे देखे सुने तो घर पे देखने के हिसाब से नग नहीं रहा था कि इसको फांसी लगाया गया। ये सब कुछ सामान उमान वहाँ पे बिखरा हुआ था और इसको चूड़ी उड़ी सब कुछ बिखरा हुआ था, अंगूठी उंगठी सब कुछ वहाँ पे बिखरा था। और बेड 8 फीट की इनकी छत थी जिसमें से 1 फीट का पंखा लटका हुआ है। मैं भी वीडियो बनाया था, 3.5 फीट का बेड था, 2 फीट का और 5 फीट की ये है। तो पूरा खड़ा होने पर पूरा पंखे से ये खुद ही ऊपर हो जाएगी तो फांसी कैसे लगाएगी? और मतलब पैर उसका पूरा बेड पे था, पूरा बेड पे था तो ये कैसे फांसी लगा लेगी? और ये हत्या करके उसको लटकाया गया, हत्या करके और इसको उसपे लटका के और बताया जा रहा है कि ये फांसी लगाई। पुलिस सहयोग कर रही है? पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। और पुलिस बचाव कब शादी हुई थी? 22 जनवरी 2024 में, यही 22 जनवरी को शादी हुआ है। अभी ये 22 जनवरी होगा तो पूरा 4 महीना होगा। क्या उसको खून भी निकल रहा है? क्या शरीर से खून आ रही है आप लोग देख सकते हैं। अगर फांसी लगा होता तो खून नहीं आता, तो पूरी बॉडी से खून आ रही है, मुंह से आ रही है, सर से आ रही है, ओर के पास से आ रही है। मतलब उसको मारा पीटा गया? मारा पीटा गया। क्यों मारे पीटे हैं? ऐसा क्यों? अब वो मारे पीटे हैं। एक बार हमको 5 मई को हमारे यहाँ आई थी पेपर देने, 4 को पेपर था, 5 को इसको जाना था विदाई कराने। बीकॉम में करती थी तो पेपर था। पेपर देने के बाद ये जा रही थी तो इसका हस्बैंड पूरा पी कर आया था 4 दोस्तों के साथ और मेरे साथ पूरा हाथापाई झगड़ा। नहीं तो क्यों ऐसा कर रहा है? ये दहेज के लिए मांग रहा है, कह रहा है कि हमको 4 चक्का चाहिए। घर पे आके हमारे चौक पे, मेन चौक पे, पूरा मोहल्ला हमारा कोपागंज आके पूरा ये मार झगड़ा किया, गाली गलौज किया, माता जी को रंडी भोसड़ी सब कुछ गाली दिया जो है मैं बता रहा हूँ, गाली गलौज दिया। और फिर इसको ले जाने के बाद विदाई कराने के बाद, क्या नाम है उसका? आकाश जायसवाल। अच्छा जी, तो पैसा जबरदस्ती मांग रहा है, पैसा जबरदस्ती मांग रहा है, हत्या कर दिया। हाँ, कह रहा है कि तो बता रहे थे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम चला। आजकल के जमाने में सर कौन फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं चला रहा है? अगर ऐसी कोई बात है तो आप उसके परिवार से, गार्जियन से बताएंगे
कि आप पहले ही मारपीट देंगे। आपने हमें जानकारी दिया, आपने पुलिस में तहरीर दी है कि नहीं? तहरीर दी है कि नहीं? कुछ भी नहीं, अभी तहरीर नहीं, कुछ भी नहीं। प्रार्थना पत्र दे क्या है? ये हम अभी दे रहे थे तो नहीं ले रहे थे, कह रहे थे कि पहले पोस्टमार्टम करा लीजिए तब हम मुकदमा कायम करेंगे, हम कह देंगे। अभी तक नहीं ले रहे थे, तो मैं एप्लीकेशन देकर आया हूँ, अपने हैंड राइटिंग से लिखवा कर कंप्यूटराइज में देकर आया हूँ। फिर कह रहे कि आप पोस्टमार्टम करा लीजिए, उसके बाद हम आपका FIR दर्ज करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।